हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्ट्रेट कट पैंट। ये आजकल बहुत ही फैशन में है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो गाइस, इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। इसमें से हमारा आसानी से स्ट्रेट कट पैंट बन जाएगा। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा हुआ है। ये मैंने अप्रॉक्स 16 इंचेस का 2 फोल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम 2 इंचेस का बेल्ट के लिए 2 इंचेस पे मार्क करेंगे। तो मैं सब जगह पे इस तरह से 2 इंचेस पे मार्क करूंगी। ये हम बेल्ट बनाने के लिए 2 इंचेस पे मार्क कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब सारी मार्किंग मैं यहां से शुरू करूंगी। तो यहां से मैं लेंथ ले रही हूं 34 इंचेस। यह है मेरी लेंथ। अब ये मैंने सेंटर पे एक मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लूंगी हिप्स का 4th पार्ट, यानी आपके जो भी साइज है उसका डिवाइड बाय 4 कीजिए और उसमें मैं 1 इंच ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 11 इंचेस। आपके जो भी हिप्स की साइज है उसको डिवाइड बाय 4 कीजिए और उसमें 1 इंच ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 11 इंचेस। अब यहाँ से मैं क्रॉच एरिया लूंगी। तो क्रॉच एरिया यहाँ से मैं लूंगी 11 इंचेस का। तो ये मैं 11 पे मार्क करूंगी। अब यहाँ से मैं क्रॉच एरिया की लेंथ में लूंगी इस तरह से ब्रॉडनेस 2.5। तो इस तरह से 2.5 पे मार्क करूंगी। अब इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो यहाँ पे मेरा क्रॉच एरिया आएगा। अब यहाँ पे मैं हल्का सा राउंड शेप दूंगी। तो ये हो गया मेरा क्रॉच एरिया। अब यहाँ से मैं 11 पे मार्क करूंगी। ये मेरी क्रॉच एरिया की लेंथ थी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से स्ट्रेट 11 इंचेस तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। जहां पे हमारी लेंथ खत्म होती है वहां पे हम मोरी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रॉडनेस लूंगी, ये मैंने सेंटर पे मार्क कर लिया है। और यहाँ पे 6 इंचेस की मैं ब्रॉडनेस लूंगी मोरी की। तो ये मैंने इस तरह से सेंटर पे 6 इंचेस पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ नीचे तक हमें इस तरह से दोनों पॉइंट को जॉइन करना है। तो स्केल की मदद से मैं हल्का सा राउंड शेप देते हुए दोनों पॉइंट को जॉइन कर लूंगी। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है और इस साइड भी दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से स्केल की मदद से मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लूंगी। तो ये हो गई मेरी फ्रंट पार्ट की मार्किंग और ये पॉइंट को मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर लूंगी। ये है मेरा बेल्ट का 2 इंचेस का। अब मैं इसे कट कर लूंगी। तो ये हो गई मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट। अब हम बैक पार्ट का कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को फिर से 2 फोल्ड रखा हुआ है। ये मैंने अप्रॉक्स 18 इंचेस का 2 फोल्ड किया हुआ है। अब जो मैंने पार्ट कट किया था उसे मैं इसे सीधा इसके ऊपर रखूंगी।
तो इस तरह से बस आपको एक साइड से इसे मिला के रखना है और दूसरे साइड पे हम चेंजेस करेंगे। जहाँ पे मैंने क्रॉच एरिया लिया था वहाँ पे हम बैक पार्ट में चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंचेस पे मार्क करूँगी, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 इंचेस पे मार्क करूँगी और यहाँ पे मैं 2.5 का मार्क करूंगी। अब यहाँ से मैं शेप दूंगी इस तरह से, सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हुए मैं इस तरह से क्रॉच एरिया का शेप दूंगी। यह है मेरा बैक का क्रॉच एरिया। ये दोनों पॉइंट आपको स्ट्रेट आने चाहिए। अब यहाँ पे फ्रंट अपर पार्ट में मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूंगी इस तरह से। और मैं इसे एक्सटेंड कर लूंगी इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक। और जो हमारे साइड की कटिंग थी उसे तो हम जैसे रखा है वैसे ही मैं ड्रॉ कर लूंगी, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है। यहाँ तक मैं इसे ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं इसे हटा दूंगी और हम इस तरह से इसको दोनों पॉइंट को मिला के इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गया मेरा बैक का पार्ट। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये है मेरा बैक का पार्ट। ये देखिए, ये दो पार्ट बैक के। तो ये है मेरा बैक का पार्ट और ये है मेरा फ्रंट का पार्ट। तो सारी कटिंग हो गई है, तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैंने ये उल्टा रखा है और दोनों क्रॉच एरिया को मिला के हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से बैक पार्ट में भी हम क्रॉच एरिया पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपको क्रॉच एरिया पे सबसे पहले सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, मैंने दोनों क्रॉच एरिया को जॉइन कर लिया है। अब ये मेरा राइट पार्ट है, इसके ऊपर मैं इसे उल्टा रखूंगी। और दोनों साइड्स को मिला के इस तरह से मैं सबसे पहले साइड की फिटिंग करूंगी। तो दोनों साइड को अच्छे से मिला के नीचे तक सिलाई करनी है और उसके बाद आपको दूसरी साइड को मिला के नीचे तक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, मैं साइड फिटिंग कर ली है। इसी तरह से दोनों साइड मैंने फिटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे दोनों क्रॉच एरिया को अच्छे से मिला के दोनों को अच्छे से मिला के मैं नीचे तक सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है और नीचे तक सिलाई लगानी है। इसी तरह से यहाँ दूसरी साइड पे भी यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, नीचे तक आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है और जॉइन कर लिया है मैंने। और मैंने साइड पे यहाँ पे इतना हिस्सा छोड़ दिया है, यहाँ पे मैं कट लगाने वाली हूँ छोटा सा, तो इसके लिए मैंने इतना हिस्सा छोड़ दिया है। अब इसे मैं रॉन्ग साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से
दोनों हिस्सों को डबल फोल्ड करके रॉन्ग साइड पे सिलाई लगानी है। इसी तरह से दोनों पार्ट्स आपको तैयार करने हैं। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैंने एक स्ट्रिप ली हुई है, ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैं स्ट्रिप को उल्टा रखूंगी इस तरह से और पूरी लेंथ में मैं सिलाई लगाऊंगी। ये राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैंने ये रॉन्ग रखा है स्ट्रिप को और पूरी लेंथ में मैं सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दोनों मोरी में आपको तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करूंगी। इस तरह से आपको रॉन्ग साइड पे टर्न करना है और हल्का सा फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से ब्रॉड आपको बेल्ट सा बनाना है। इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारी मोरी तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, ये मैंने ब्रॉड सा बेल्ट बनाया है। तो ये हमारी मोरी बिल्कुल तैयार है। ये मैंने साइड में कट भी रखा हुआ है। अब मैं ऊपर का बेल्ट बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं इसे पहले एक फोल्ड करूंगी छोटा सा, उसके बाद में 2 इंचेस का बड़ा बेल्ट इस तरह से फोल्ड करूंगी और पूरी लेंथ में आपको इसी तरह से बेल्ट बनानी है। यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैं इतना हिस्सा सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ से मैं बेल्ट पास कर इलास्टिक पास करने वाली हूँ, तो इतना हिस्सा आपको सिलाई नहीं करनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और इतना हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, यहाँ से हम इलास्टिक पास करेंगे। तो ये मैंने इलास्टिक ली है, ये आपको अपनी वेस्ट साइज से 3 से 4 इंच कम लेनी है। तो सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसे अंदर डालूंगी। तो यहाँ से आपको इसे पास करना है। इस तरह से आप इसे पास करते जाइए। तो ये देखिए मैंने पास कर लिया है। अब मैं पिन को निकाल दूंगी और दोनों हिस्सों को मिला के यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। आपको सिलाई 2 से 3 बार लगानी है ताकि ये खुल ना जाए। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, अब मैं इसे अंदर डाल दूंगी। अंदर डालने के बाद में जो हिस्सा मैंने छोड़ दिया था उसे वापस फोल्ड करके मैं इसे बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगा के इसे बंद कर देना है। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है बेल्ट और ये मैंने नीचे कर्स भी लगाए हैं। तो ये देखिए हमारा पैंट बिल्कुल तैयार है। तो देखिए तैयार है हमारा स्ट्रेट कट पैंट। इसे आप कोई भी अपनी पसंद की डिजाइनर कुर्ती के साथ पेयर करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका लुक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक आता है, तो इसे जरूर ट्राई करें। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।